वेली गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सेल्स सुहागन के, सुहागन में मजेदार दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, सुहागन में जहाँ एक तरफ स्वर्ग के सामने आ चुकी है कोयल की सच्चाई और वो लाना चाहती है सभी परिवार के सामने उसकी असलियत, वही तो कोयल भी चलती रहती है एक साजिश। अब देखने में ये मजेदार रहता है कि जहाँ कोयल तीज का मौका रहता है तो देती है स्वर्ग को गिफ्ट, और गिफ्ट भी ऐसा रहता है कि वो कमरबंद देती है और कमरबंद अपने राजपुताने यानी कि उनका बहुत साल पुराना रहता है तो इस बार वो गिफ्ट देती है। लेकिन इधर ऐसा काम करती है कि जहाँ वेदांत और स्वरा बिजी रहते हैं अपने रोमांस या बोल सकते हैं अपने घर के कामों में, तो वही इधर ध्वनि और कोयल चलती है एक नया चाल और कोयल चोरी करने जाती है वही कमरबंदनी जो स्वरा को गिफ्ट दिया जाता है। तो वही इधर देखने में मजेदार रहता है कि जहाँ स्वरा के इधर काम कर रही होती है तो वो उसके दाग लग जाता है साड़ी पे, तो वो जा रही होती है अपने रूम में चेंज करने के लिए। लेकिन वो देख लेती है कि कोई चोरी कर रहा है। अब बहुत जोर जोर से चिल्लाती है स्वरा। क्या स्वरा के इस चिल्लाने से कोयल की सच्चाई आएगी सबके सामने यानी कि वेदांत के सामने आएगी, और वेदांत के सामने सच्चाई ये भी आएगी कि कोयल ही है इन सब की दोषी और ध्वनि के जिंदगी में लाने की वही है दोषी। वही क्या इसमें फंस जाएगी कोयल और सबके सामने आएगा इधर सच्चाई, या इसमें होने वाला है कुछ मजेदार ट्विस्ट। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।